हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए या नहीं, क्या फेलियर तक ट्रेन करने के कोई फायदे हैं या नहीं, क्या आपको करना चाहिए फेलियर तक ट्रेन या नहीं। तो गाइस, ये इंडिया की सबसे पहली वीडियो होने वाली है जहाँ पे हम इस टॉपिक को 11 स्टडीज के बैकअप के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और 11 स्टडीज के प्रूफ दिखा के इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे एक न्यू व्यूअर है तो कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल और गाइस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे की हर एक वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी मैं आपको 11 स्टडीज वन बाय वन उनके कंक्लूजन दिखाऊंगा। अगर आपको इन स्टडीज के बारे में जानने का इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ कंक्लूजन जानना है, तो गाइस आप प्लीज स्क्रीन पे जो टाइम आपको फ्लैश हो रहा है वहां पे आप स्किप कर जाइए। सो गाइस, बात करते हैं पहली स्टडी की। गाइस, ये वाली स्टडी आपकी 2016 में आई थी जहां पे ये पाया गया कि उनके जो अनट्रेन्ड सब्जेक्ट्स थे, जब वो हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी एक रिलेटिव हैवी वेट लेके जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस केस में उनको अपना स्ट्रेंथ गेन एंड हाइपरट्रॉफी के लिए फेलियर तक जाना जरूरी नहीं है। एंड वहीं अगर वो लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी लाइट वेट वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनको इस केस में अपना मसल मास एंड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए फेलियर तक जाना जरूरी है। तो गाइस, इस स्टडी के मुताबिक इनका यह कहना है कि आपको उस लेवल की फटीग क्रिएट करनी है अगर आपको मसल स्ट्रेंथ एंड मसल साइज गेन करनी है। तो बिगनर्स क्या होते हैं, जब वो हैवी वेट वर्कआउट करते हैं तो उनको फेलियर तक जाने की जरूरत नहीं है, उस लेवल की फटीग वो फेलियर तक पहुंचने से पहले ही अचीव कर लेते हैं। वेरेज अगर वो लाइट वेट वर्कआउट कर रहे हैं, उनको उस लेवल की फटीग, उस लेवल की थकान महसूस करने के लिए उनको फेलियर तक जाना जरूरी है। एंड वही ट्रेंड इंडिविजुअल में देखा गया, यानी जो पहले से ही वर्कआउट करते हैं, उनमें ये देखा गया कि हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो हैवी उनका वर्कआउट था, उसको फेलियर तक लेना जरूरी है अगर उनको मसल स्ट्रेंथ गेन करना है। एंड वहीं अगर वो ट्रेंड इंडिविजुअल लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को फेलियर तक लेके जा रहे हैं, तो उनके केस में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस स्टडी के मुताबिक आपको उस लेवल की फटीग क्रिएट करनी होती है। तो इनके मुताबिक जो ट्रेंड इंडिविजुअल है, जो पहले से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको उनकी मसल में ज्यादा टॉर्चर की जरूरत है अगर उनको मसल गेन करना है, तो उसके लिए उनको हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में फेलियर तक जाना जरूरी हो गया। एंड वहीं अगर लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ वो फेलियर तक जा रहे हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। एंड गाइस, इसी स्टडी में बीच में ये बात भी लिखी है कि अगर आप एक लंबे वक्त तक हमेशा फेलियर तक ट्रेन करते हैं, तो उससे आपका ओवर ट्रेनिंग हो सकता है और आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर आप अपने किसी सेट को फेलियर तक लेके जा रहे हैं, तो आपका उस वक्त जो ब्लड प्रेशर है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से आपको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना चाहिए, आपको सब मैक्सिमल ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे आपकी मसल मास एंड स्ट्रेंथ बढ़ पाए। एंड गाइस, ये स्पेशली एप्लीकेबल होती है एल्डरली पॉपुलेशन जो है, या फिर जो हाइपर एक्सटेंसिव है, यानी जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, उनको तो स्पेशली ये चीज अवॉइड करना चाहिए, यानी फेलियर तक उनको ट्रेन करना अवॉइड करना चाहिए। एंड गाइस, 2016 में एक मेटा एनालिसिस करा गया। गाइस, मेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि बहुत सारी स्टडीज को ली जाती है, उनको कंपेयर करा जाता है, उनको पढ़ा जाता है, फिर उसमें से एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो गाइस, 2016 के इस मेटा एनालिसिस में ये देखा गया कि चाहे आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं या फिर फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ में सेम ही इंक्रीज होता है। सो इसमें ये देखा गया, इट इज अननेसेसरी टू परफॉर्म टू फेलियर, क्योंकि इंक्रीज जो दोनों ही केस में था वो बराबर था। एंड अगर आप फेलियर तक कर भी रहे हैं, तो उसको कभी कभार करना, क्योंकि अगर ज्यादा इसको आप फेलियर तक ट्रेन करते रहेंगे, इट कैन लीड टू इंजरी या फिर ओवर ट्रेनिंग। तो गाइस, फेलियर तक ट्रेन करने का एक बड़ा जो डिसएडवांटेज है, वो ये कि आपकी जो रिकवरी टाइम है वो काफी बढ़ जाती है, आप बहुत जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते। तो गाइस, ये चीज एग्जैक्टली पाई गई एक स्टडी में जो कि 2017 में हुई, जहां पे ये देखा गया कि जो लोग फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं, उनकी जो रिकवरी टाइम है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। वेरेज अगर आपको अपने नेक्स्ट वर्कआउट से पहले एक बेटर कंडीशन में रहना है और आपकी रिकवरी टाइम आप चाहते हैं कि बहुत शॉर्टेंड हो जाए, आप जल्दी से जल्दी रिकवरी कर जाए, तो आपको फेलियर तक ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। यू शुड अवॉइड ट्रेनिंग टू फेलियर। एंड गाइस, 2016 के एक और मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि ज्यादातर जो आपकी स्टडीज थी, उनमें या तो वो इस चीज को सपोर्ट कर रही थी कि ट्रेनिंग टू फेलियर एंड नॉन फेलियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, या तो वो सपोर्ट कर रहे थे कि आपको फेलियर तक ट्रेन करने के कोई भी बेनिफिट नहीं है। एंड गाइस, 2016 के एक रिसर्च में कुछ लोगों को सेल्फ डिटरमाइंड आरएम करने दिया गया, यानी उनको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना था, एंड दूसरे ग्रुप को उनको मसल फेलियर तक जाना था। तो ये पाया गया कि जो लोग फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे थे, उनका जो सेट था वो इफेक्टिव नहीं था, एंड जो लोग फेलियर तक ट्रेन कर रहे थे, उनमें उनके मसल स्ट्रेंथ एंड बॉडी कंपोजिशन में इंप्रूवमेंट्स पाई गई। लेकिन गाइस, इस स्टडी का मेन मकसद ये था कि वॉल्यूम आपके वर्कआउट पे कैसे इफेक्ट डालता है।
तो यहाँ पे जो लोग फेलियर तक नहीं जा रहे थे उनका रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके वर्कआउट में वॉल्यूम कम था। अब गाइस वॉल्यूम का मतलब होता है आपने कितना वेट उठाया हुआ है इनटू आपका नंबर ऑफ रेपिटेशंस इनटू नंबर ऑफ सेट्स। तो गाइस जो लोग फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे थे उनका वॉल्यूम इस वजह से कम हुआ क्योंकि वो रेपिटेशंस कम लगा रहे थे। अगर उनमें थोड़ा सा उनका जो वेट उन्होंने लिया था उस वेट को बढ़ा देते एंड रेपिटेशंस में उनको फेलियर तक ट्रेन नहीं कराते, मतलब उनका वॉल्यूम हम इक्वल लग देते, तब भी चांसेस थे कि उनका रिजल्ट सिमिलर आता, यानी दोनों केस में आपको रिजल्ट मिल पाता। तो यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि इट इज द वॉल्यूम विच मेनली डिसाइड्स योर रिजल्ट्स। तो गाइस यही चीज कि वॉल्यूम डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसी चीज के प्रूफ में मैं आपको कुछ स्टडीज दिखाता हूँ जहां पे हम एग्जैक्टली यही चीज देख पाएंगे कि कैसे वॉल्यूम के वजह से आपका जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो रहा है। तो गाइस 2019 के एक स्टडी में कुछ ट्रेंड एथलीट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करा गया। फर्स्ट ग्रुप को अपने रिलेटिव इंटेंसिटी में वर्कआउट करना था, यानी उनका एक इंटेंसिटी फिक्स था, उनको 70% मैक्स या फिर 80% मैक्स, कोई भी एक इंटेंसिटी उनका फिक्स था और उनको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना था। वेरेस दूसरा ग्रुप था आरएम ग्रुप, जहां पे इनको फेलियर तक ट्रेन करा गया। गाइस आरएम का यहां पे मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली अपना वर्क लोड बढ़ाते जा रहे थे, इनसे जितना पॉसिबल है वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पे रिजल्ट में ये देखा गया कि जो रिलेटिव इंटेंसिटी वाला ग्रुप था, जो कि आपके फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे थे, उनका एक इंटेंसिटी फिक्स था, उनका फाइबर साइज एंड मसल साइज में गेन नजर आया। तो गाइस ये इस वजह से हुआ होगा कि जो दूसरा ग्रुप था जो कंटिन्यूअसली अपना वेट बढ़ाया जा रहा था, वेट बढ़ाने के चक्कर में उनका नंबर ऑफ रेपिटेशन कम होता गया, तो उस वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। गाइस इस चीज को मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स से एक पर्सन है जो कि 60 केजी उठा रहा है एंड उसमें वो 10 रेपिटेशन कर रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम हो गया वो 600 केजी हो गया। वेरेज एक और पर्सन है जो कि कहता है कि भाई मैं तो अपना मैक्सिमम लोड उठाऊंगा, तो उसने 70 केजी उठाया, मतलब 60 केजी से ज्यादा उठाया एंड इसमें इसने 8 रेप्स निकाले। तो यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम देखिए 17 × 8 560 केजी हो जाता है। तो गाइस वेट बढ़ाने के बाद जब आपका रेपिटेशन कम हो रहा है आपका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, एंड जैसे कि मैंने बताया कि इट इज द वॉल्यूम विच डिसाइड्स कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो एग्जैक्टली यही चीज इस एक्सपेरिमेंट के इस स्टडी के रिजल्ट में देखा गया। एंड गाइस 2017 के एक और स्टडी में 89 एक्टिव यंग वुमेन को लिया गया एंड उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ग्रुप जो था उनको फेलियर तक ट्रेन करवा रहे थे, यानी उसका नाम उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में आरएफ रख दिया, एंड सेकंड ग्रुप था उनको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना था, उनका नाम था आरएनएफवी, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को सेम वॉल्यूम का वर्कआउट करवा रहे थे। वेरेज जो थर्ड ग्रुप था उनको भी फेलियर तक नहीं करवा रहे थे, उनको उनका जो शॉर्ट फॉर्म है आरएनएफ रख दिया गया। तो गाइस सेकंड ग्रुप में वो लोग 7 रेप्स कर रहे थे और 7 रेप्स के 4 सेट्स कर रहे थे, और जो थर्ड ग्रुप था जो कि वो भी फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे थे, उनको भी 7 रेपिटेशंस कराए गए लेकिन सिर्फ 3 सेट के लिए। तो गाइस रिजल्ट में ये पाया गया कि जो मसल स्ट्रेंथ गेन था उसमें तीनों ही ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं था, एंड एज वेल आपका जो मसल एंड्योरेंस जो आपकी गेन हुई थी उसमें भी आपके तीनों ही ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं था, तीनों ही ग्रुप में बराबर आपका मसल एंड्योरेंस में गेन नजर आया था। वेरेज मसल थिकनेस में आपका जो फर्स्ट ग्रुप था जो कि आपके फेलियर तक ट्रेन कर रहा था एंड जो सेकंड ग्रुप था जो कि फेलियर तक ही ट्रेन कर रहा था लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो वॉल्यूम था वो सेम था, तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था इन दोनों के मसल थिकनेस में सेम ही गेन था। वेरेज जो आपका थर्ड ग्रुप था जो कि फेलियर तक ट्रेन कर रहा था लेकिन क्योंकि वो लोग सिर्फ 7 रेपिटेशन के 3 सेट कर रहे थे, उनका वॉल्यूम कम था, तो उनके मसल थिकनेस में कोई चेंज नजर नहीं आया। तो मेरे यहाँ पे कहने का ये मतलब है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में जो उनका वॉल्यूम था वो सेम था, तो उनके रिजल्ट में जो भी गेन नजर आया उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। वेरेज जो आपका थर्ड ग्रुप था जो कि फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहा था लेकिन क्योंकि उनके नंबर ऑफ सेट्स कम थे इसलिए उनका टोटल जो वॉल्यूम हो गया वो कम हो गया, एंड इस वजह से उसमें रिजल्ट नजर नहीं आया। एंड गाइस इस स्टडी के कंक्लूजन में ये बताया गया कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ऑफ रेपिटेशंस टू फेलियर करते हैं तो उसमें आपको कोई भी एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलता है। तो गाइस अभी तक वॉल्यूम के बारे में जो कुछ भी मैं कह रहा था वो मेरा मानना था क्योंकि मैं ये चीजें इन स्टडीज में ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा था, ये मेरा मानना था। अब गाइस एक और स्टडी में दिखाने वाला हूँ जहाँ पे क्लियरली वॉल्यूम को लेकर जो स्टेटमेंट मैंने कहा है वही स्टेटमेंट आपका वहाँ पे दिया गया। तो गाइस ये स्टडी 2018 में पब्लिश हुई थी और यहाँ पे ये बोला गया कि रेपिटेशंस अंटिल कॉन्सेंट्रिक फेलियर डजंट प्रोवाइड फर्दर न्यूरोमस्कुलर परफॉर्मेंस गेन्स एंड मसल हाइपरट्रॉफी एंड दैट इवन अ लो नंबर ऑफ रेपिटेशंस रिलेटिव टू द मैक्सिमल पॉसिबल दैट इज 50% ऑप्टिमाइजेस न्यूरोमस्कुलर परफॉर्मेंस इन एल्डरली मैन। तो यहाँ पे इसमें ये देखा गया कि एल्डरली मैन में ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ये देखा गया कि जो लोग
फेलियर तक ट्रेन कर रहे थे, कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक ट्रेन कर रहे थे उनके, एंड जो लोग फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे थे लेकिन एक रिलेटिव हैवी वेट लेके वर्कआउट कर रहे थे बट फेलियर तक नहीं कर रहे थे, तो ये दोनों ग्रुप के बीच में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। एंड फाइनली वॉल्यूम को लेके ये कंक्लूड करा गया कि मोर ओवर ट्रेनिंग वॉल्यूम अपीयर्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर मसल हाइपरट्रॉफी देन ट्रेनिंग यूजिंग मैक्सिमल रेप्स। यस, ट्रेनिंग वॉल्यूम जो है वो मैटर करता है, ना कि कितने रेप्स लगा रहे हैं वो। एंड गाइस 2016 के एक स्टडी में बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया गया कि रेपिटेशन फेलियर इज नॉट क्रिटिकल टू एलिसिट सिग्निफिकेंट न्यूरल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस टू स्केलेटल मसल। तो साफ साफ बोल दिया गया कि रेपिटेशन टू फेलियर इज नॉट वेरी मच नेसेसरी, कि आपको करना ही है अगर आपको अच्छा गेन करना है, मसल हाइपरट्रॉफी करनी है। एंड गाइस फिर 2018 के एक और स्टडी में ये कंक्लूड करा गया कि बोथ हाई एंड लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आर इक्वली इफेक्टिव इन increasing muscle mass and strength when compared to muscle failure। तो यहाँ पे अब मेरे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही clearly बोल दिया गया कि muscle failure तक जाना बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो guys अभी तक मैंने आपको सिर्फ studies के conclusions बताए हैं और इन सारे studies को पढ़ने के बाद हम कुछ ये main points इसमें से draw out करते हैं कि अगर आप training to failure करते हैं उसका slightly बहुत ही minor advantage होता है over अगर आप training to failure नहीं करते हैं। मेरा ये मतलब है कि अगर आप किसी वेट से 10 रेपिटेशन निकाल सकते थे, 10 रेपिटेशन के बाद आपसे एक भी रेप नहीं निकल पा रहा, यानी वो आपका कॉन्सेंट्रिक फेलियर आपने रीच कर लिया, यानी 10 रेपिटेशन के बाद आप एक भी रेप आप सपोज बाइसेप्स कर्ल में उठा नहीं पा रहे, तो आपका 10 रेपिटेशन जो है आपका मैक्स है। तो एक बंदे ने 10 रेपिटेशन लगाया वो अपना कंप्लीट फेलियर तक गया एंड दूसरे बंदे ने 9 रेपिटेशन लगाया, तो यस जिसने 10 रेपिटेशन लगाया उसको स्लाइटली बहुत माइनर एडवांटेज मिलता है, लेकिन जिस बंदे ने 9 रेप्स लगाया उसने अपने टैंक में एक रेप छोड़ा, उसके एंड उस फेलियर तक जाने वाले बंदे के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप हर सेट में फेलियर तक जाते हैं तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल दो बंदे जिनको किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 2 सेट्स परफॉर्म करने हैं, तो पहला बंदा जो है वो कहता है कि मैं 60 केजी से फर्स्ट अपने सेट में 10 रेपिटेशन निकालूंगा एंड सेकंड सेट में भी उसी वेट से उतने रेपिटेशन निकालूंगा, यानी ये जो 10 रेपिटेशन अपने लगा रहा है इसका ये मैक्स नहीं है, यानी ये फेलियर तक नहीं जा रहा है, यानी उस वेट से वो 12 रेपिटेशन लगा सकता था लेकिन टैंक में 2 रेपिटेशन बचा के वो हर सेट में सिर्फ 10 रेपिटेशन कर रहा है। एंड वहीं जो दूसरा बंदा है उसका ये कहना है कि भाई मैं अपना मैक्स खींचूंगा, मैं अपना फेलियर तक जाऊंगा, तो वो इन 60 केजी से क्या करता है कि 12 रेप्स निकाल लेता है फर्स्ट सेट में एंड सेकंड सेट में क्या करता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो 6 से 8 के बीच में कहीं ना कहीं रेपिटेशन निकाल पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो जो फर्स्ट बंदा था जिसने 60 केजी के लिए दोनों ही सेट में 10 रेप्स निकाला था, तो उसका जो वॉल्यूम आपका बनता है वो 1200 बनता है। एंड वही जो दूसरा बंदा है तो दोनों सेट के अगर इसके वॉल्यूम देखेंगे तो बैठता है 1140, मतलब फर्स्ट वाले बंदे के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप ट्रेनिंग टू फेलियर जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेट में ही आपको हल्का सा माइनर एडवांटेज मिलता है ओवर जो बंदा अपने टैंक में 1 से 2 रेप्स बचा के चल रहा है। लेकिन अगर आप बहुत सारे सेट्स को काउंट करेंगे, पूरे आपका वर्कआउट सेशन में अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग टू फेलियर करने के वजह से आप इतना फटीग हो जाते हैं कि आपका जो नेक्स्ट सेट है उसको आप इतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते एंड फर्दर आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आते हैं उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो इस पॉइंट से मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप ट्रेनिंग टू फेलियर करते हैं तो आपका वॉल्यूम सफर करता है। तो गाइज मैं आपको इन सब पॉइंट से कंक्लूड करके बता देता हूं कि बिगनर्स को क्या ट्रेनिंग टू फेलियर करना चाहिए या फिर क्या इंटरमीडिएट और एडवांस को ट्रेनिंग टू फेलियर करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो बिगनर एंड इंटरमीडिएट एडवांस में क्या डिफरेंस है, उनको किस तरह से ये जो ट्रेनिंग टू फेलियर है अपने वर्कआउट रेजिमेंट में डालना है। तो गाइज क्योंकि बिगनर्स का जो रिकवरी पीरियड है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इतनी जल्दी वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग टू फेलियर बहुत ज्यादा अपने वर्कआउट में नहीं डालना चाहिए, स्पेशली अगर वो पुश पुल स्प्लिट्स कर रहे हैं या फिर अपर लोअर स्प्लिट कर रहे हैं या फिर अगर फुल बॉडी स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस केस में तो उनको स्पेशली ट्रेनिंग टू फेलियर नहीं डालना चाहिए। इनका ऑलरेडी जो रिकवरी पीरियड है इतना ज्यादा होता है, उसके बावजूद भी इनका जो वर्कआउट स्प्लिट है वो कुछ ऐसा है कि हर 2-3 दिन में उनका कोई बॉडी पार्ट रिपीट हो रहा होता है। कहीं ना कहीं अगर वो ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, यानी एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट कवर कर रहे हैं, तो उस बॉडी पार्ट को आने में अभी एक और हफ्ता है, यानी नेक्स्ट वीक ही वो बॉडी पार्ट आएगा, तो यस उस केस में वो ट्रेनिंग टू फेलियर कर सकते हैं। वेरेज अगर हम इंटरमीडिएट या एडवांस की बात लें तो यस वो थोड़ा सा बिगनर्स के कंपैरिजन में मोर ऑफन ट्रेनिंग टू
फेलियर कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिकवरी जो होती है थोड़ी फास्टर होती है। बट मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग टू फेलियर इज नॉट नेसेसरी, मतलब आपको ट्रेनिंग टू फेलियर करना ही पड़ेगा अगर मसल गेन करना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ट्रेनिंग टू फेलियर करना है, अगर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ट्रेनिंग टू फेलियर करके, या फिर आप कुछ इस तरह से ट्रेनिंग टू फेलियर को अपने रेजिमेन में डाल दें कि उसके बेनिफिट्स निकल सके, तो आपको किस तरह से उसको डालना चाहिए, तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो अभी हम इंटरमीडिएट या एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स से वो एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, सो एज फार एज देयर रिकवरी इज कंसर्नड, वो तो हर सेट में ट्रेनिंग टू फेलियर कर सकते हैं क्योंकि ना उनको एक हफ्ता मिल रहा है रिकवरी करने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हर सेट में फेलियर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर उनका वॉल्यूम का कंसर्न है, अगर उनको अपने वॉल्यूम को कम नहीं करना है, तो उनको हर सेट में फेलियर तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो इस सेट में फेलियर तक चले गए तो नेक्स्ट सेट में उनका ऑब्वियसली रेपिटेशन कम हो जाएगा। तो उस सेट में वो क्या कर सकते हैं कि हर एक्सरसाइज के लास्ट सेट में ट्रेनिंग टू फेलियर कर सकते हैं, या फिर उनकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उस लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सेट में ड्रॉप सेट ले सकते हैं, तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। एंड अगर आप पुश पुल लेग स्प्लिट कर रहे हैं तो आप हर बॉडी पार्ट की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सेट में ट्रेनिंग टू फेलियर जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ गाइस जा सकते हैं, अगर आपको जाने का मन है, अगर आप ट्रेनिंग टू फेलियर करना चाहते हैं तो, जरूरी नहीं है। एंड अगर आप एक फुल बॉडी स्प्लिट कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग टू फेलियर करना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि आप हर दिन हर नेक्स्ट डे आप अपना वही बॉडी पार्ट टारगेट कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा अपने टैंक में एक से दो रेपिटेशन बचा के रखना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 रेपिटेशन पूरी जान लगा के निकाल सकते हो, 10 आपका मैक्स है, यानी इससे ऊपर आप एक भी रेपिटेशन निकाल नहीं सकते, तो आप कोशिश करिए कि आप 8 से 9 रेपिटेशन निकाले, आप टैंक में हमेशा एक से दो बचा के रेप चलना चाहिए। तो गाइस इसको RIR 1 और 2 कहते हैं, मतलब रेप्स इन रिजर्व, आपने अपने टैंक में कितने रेप्स बचा के रखे हैं। तो यस, आपको ऑलवेज आप फुल बॉडी स्प्लिट कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने टैंक में कुछ रेप्स बचा के रखना चाहिए। इवन आप कोई भी बॉडी स्प्लिट कर रहे हैं, आपको हमेशा टैंक में कुछ रेप्स रखना चाहिए, आपको हमेशा फेलियर तक नहीं करना चाहिए। एंड जैसे कि मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको मन है कि भाई फेलियर तक ट्रेन करना है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने समझा दिया। तो मेरे कहने का ये मतलब कि आपको हमेशा ट्रेनिंग टू फेलियर नहीं करना है, बहुत ही स्पेयरिंगली, बहुत ही बचा बचा के, बहुत ही लिमिटेड आपको ये चीज़ करनी चाहिए। एंड गाइस जो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक या दो रेपिटेशन हमेशा टैंक में रख के चलना चाहिए, गाइस ये जो आप एक से दो रेपिटेशन बचा के चल रहे हैं ना, वो इतना आसान भी नहीं होता है। कुछ लोग इसको एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे और अपने आपको पुश नहीं करेंगे जिम में, मतलब बहुत लेजी हो जाएंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ट्रेनिंग टू फेलियर कर रहे हैं, आप उसको जो हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स होते हैं उसमें ट्राई ना करें गाइस, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर आपके पास स्पॉटर नहीं है, इवन स्पॉटर भी है और आप अपना मैक्स रेपिटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी दम तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपको इंजरी हो जाए हैवी कंपाउंड मूवमेंट से, हो सकता है कि वेट आप पे गिर जाए और आप अपने आप को इंजर कर बैठे। तो गाइस हमेशा ये जो ट्रेनिंग टू फेलियर आपको आइसोलेशन और हल्की एक्सरसाइज, जो 12-15 रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज होती है, उनमें करनी चाहिए। तो गाइस मैंने इन सारे स्टडीज में से कंक्लूड करके जो भी आपको पॉइंट्स बताया, एग्जैक्टली यही पॉइंट्स एक और स्टडी में कंक्लूड करा गया जो कि रिसेंटली 2019 में ही आई थी। सो गाइस मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को यहीं पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की सारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई मेक श्योर गाइस आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो गाइस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।